ओके बेटा, ध्वनि कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, लाख की चूड़ियां कर चुके हैं, संज्ञा हमने कर ली है। आपका जिस दिन टेस्ट है संज्ञा का टेस्ट होगा, एक बार मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपका टेस्ट कौन से दिन और कितने बजे आएगा। राइट, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। हम विलोम शब्द भी कर चुके हैं, यस राइट। आज हम लोग व्याकरण का ही बेटा एक और विषय करने जा रहे हैं, ठीक है। अपनी फेयर नोटबुक्स आप अपने पास रख लीजिए, उसी में काम करिएगा, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं, ध्यान से देखना। मीनू मेरी सहेली है, मीनू बहुत होशियार है, मीनू को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें बेटा कौन सा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है? कौन सा शब्द है जो बार बार मैंने लिखा है? रेज योर हैंड। यस वेदांति। मैम मीनू। मीनू, वेरी गुड। रिभव, आप मुझे बताएंगे मीनू शब्द जो है व्याकरण में हम इसे कैसा शब्द मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनीषा, मैंने अभी आगे बेटा कुछ पूछा नहीं, प्लीज वेट। मीनू संज्ञा शब्द है, ठीक है। रिभव, क्या संज्ञा बार 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 मीनू लिखा हुआ अच्छा लग रहा है? रिभव, बार बार मीनू लिखा हुआ अच्छा लग रहा है? मीनू मेरी से नो मैम। ओके, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मीनू की जगह पर कौन सा शब्द होना चाहिए? वह। सेकंड सेंटेंस में वह, और थर्ड सेंटेंस में? थर्ड सेंटेंस में कौन सा शब्द होना चाहिए मीनू की जगह पर? यस गर्वित, आप बताइए। मैम उसको, उसको, उसको के बजाय अगर हम उसे लिखें, उसे, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमने देखा मीनू शब्द जो है वो संज्ञा है, इस संज्ञा की जगह पर हमने वह लगा दिया, उसे लगा दिया, संज्ञा की जगह पर हमने कोई और शब्द लगा दिए, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा की जगह पर जब हमने कोई और शब्द लगा दिए तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? हाँ जी अंशिका। सर्वनाम। वेरी गुड, वेरी गुड, इन्हें हम कहेंगे सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या निकल कर आती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर बेटा? काइंडली शो योर थंब इफ इट इज क्लियर। ओके फाइन, गुड। चलो अपनी अपनी कॉपीज निकाल लें, हेडिंग लिखें, डेट लिखें और इंडेक्स में भी लिख लें सर्वनाम। आपने हर बार इंडेक्स जरूर भेजना है बेटे, जब भी आप कॉपी चेकिंग के लिए भेजेंगे इंडेक्स जरूर साथ में भेजना है। ओके, हेडिंग लिखिए, इंडेक्स में लिखिए सर्वनाम, डेट लिखिए साथ में।
सर्वनाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, इसलिए हम परिभाषा नहीं लिखेंगे। सर्वनाम के भेद मुझे कौन बताएगा, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा? यस प्रभनूर मैम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधकवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। वेरी गुड, वेरी गुड प्रभनूर। कुछ एक चीजें क्लियर करना चाहती हूँ प्रभनूर, आपने नाम बिल्कुल ठीक बोले हैं, फिर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। उसे हम प्रश्नवाचक नहीं कहते हैं, प्रश्नवाचक। आधा श है, जल्दी बोला जाता है, इसलिए प्रश्नवाचक, प्रश्न नहीं, ओके। और दूसरी बात, संबंधक नहीं है, संबंधक आप पंजाबी में पढ़ते हैं, संबंधवाचक, क नहीं आएगा, संबंधवाचक, ओके। एक एक करके हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन बताएगा मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन बताएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, यस एंजल। वह शब्द जो किसी वह शब्द जो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की स्थान पर प्रयोग में लाए जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके राइट, यस प्राची। मैम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसका बोध करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यस, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की जगह पर नहीं हम कहेंगे। जातिवाचक तो हो गया कमरा, मेज, तो उसकी जगह पर हम इनको यूज नहीं करते हैं। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जाती है उसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वे, आपने इंग्लिश में पर्संस पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, हमने, मुझे, हमारा, हमसे, एटसेट्रा आदि, ओके। मध्यम पुरुष जिससे बात होती है, आप, आपका, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे आदि, ओके राइट। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जब किसी और से बात होती है, किसी और के बारे में बात की जाए, वह, वे, उनका, उन्होंने, उनसे आदि। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर, यस और नो? चले आगे। ओके फाइन, सो मेनी थम्स, गुड। उसके बाद नेक्स्ट भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन बताएगा? प्रश्नवाचक क्या होते हैं?
यस बबलीन बताइए। वह शब्द जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और आखिरी में प्रश्न प्रश्न लगता है। ओके पहली बात वह शब्द नहीं वे शब्द जिनसे किसी से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। लेकिन हमें यह भी बात ध्यान में रखनी होती है कि हमें उसमें लगा के देखना है कि वहां पर कोई संज्ञा शब्द लग रहा है या नहीं लग रहा। उदाहरण देती हूं, बाहर कौन आया है, ठीक है, ये ऐसा शब्द है जिसकी जगह पर हम संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। बाहर कौन आया है, किसी के भी बारे में कह सकते हैं, बाहर राघव आया है, बाहर डाकिया आया है, बाहर पिताजी आए हैं, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द या ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, यह कक्षा किसकी है, राइट। पिताजी क्या लाए हैं, वे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, चले आगे। ओके राइट, नेक्स्ट थर्ड भेद इज निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें किसी बात की कंफर्मेशन होती है, नहीं बेटा आपको कोई परिभाषाएं नहीं लिखनी है, आपको एग्जाम में चुने हुआ भेद आता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। परिभाषाएं आप छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ओके निश्चयवाचक जब किसी चीज की कंफर्मेशन होती है, जैसे यह हमारी कक्षा है, निश्चयवाचक सर्वनाम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके यह है हमारी कक्षा है, कक्षा के बारे में बात हो रही है और कंफर्म्ड है कि यह है हमारी कक्षा है। वह मेरा घर है, ठीक है, कंफर्म्ड है कि वह मेरा घर है। ये उसकी पुस्तकें हैं, कंफर्मेशन है कि ये उसकी पुस्तकें हैं, कंफर्म है कि ये उसकी पुस्तकें हैं, राइट। निश्चयवाचक मतलब जब हमें कंफर्म्ड है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर, एनी डाउट्स, चले आगे। ओके नेक्स्ट इज फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन बताएगा मुझे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, रेज योर हैंड्स। बेटा स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सबने, ओके स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखेंगे। यस एंजल, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो किसी अनिश्चित चीज के बारे में बोध कराएं, जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित ना होने का बोध होता है। मतलब जब हमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता। उदाहरण लेते हैं, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, कोई हमें नहीं पता कौन है, ओके वी आर नॉट कंफर्म्ड कि कौन है, कोई मेज पर कुछ पड़ा है, मेज पर कुछ पड़ा है, हमें कंफर्म्ड नहीं है कि क्या पड़ा है,
मेज पर कुछ पड़ा है, वी आर नॉट कंफर्म्ड क्या है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक। पिताजी कुछ लाए हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमें नहीं पता पिताजी क्या लाए हैं, हमें नहीं पता किसने दरवाजा खटखटाया। ओके क्लियर, इज इट क्लियर? चलें आगे, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट, यू कैन रेज योर हैंड्स अगर डाउट है तो, नो डाउट्स। थम्स भी इतने कम शो होते हैं मुझे, एंड वाई सो लेस स्ट्रेंथ टूडे, ओनली 30 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, ओके आई विल ऑल्सो पुट द मैसेज। चलिए नेक्स्ट इज पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, निज अपना, जिन शब्दों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति स्वयं काम करता है। ओके इसमें थ्री वर्ड्स होते हैं, स्वयं, खुद और अपने आप। स्वयं, खुद और अपने आप, राइट? मैं खुद पढ़ूंगी, पिताजी अपने आप जाएंगे, तुम स्वयं काम करो, राइट? खुद, अपने आप, स्वयं, ये तीनों शब्द निजवाचक सर्वनाम है, राइट? नेक्स्ट भेद देख रहे हैं लास्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन बताएगा संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा संबंधवाचक सर्वनाम? यस वेदांति बताइए बेटा। वह शब्द जो कि जो एक वस्तु का संबंध या फिर एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं उनको संबंध। ओके फाइन, जो शब्द वाक्य का संबंध, जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों का संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं, राइट? एग्जांपल लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां पर जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, राइट? जो करेगा सो भरेगा, जो सो, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो वो, क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो? ओके, मैं अब आप लोगों को 2 मिनट्स दे रही हूं, हर भेद के लिए एक एक एग्जांपल लिखो, किसी की भी टर्न आएगी बताने की, हर भेद के लिए एक एक एग्जांपल अपनी कॉपी में नोट करो सब लोग, बी फास्ट, गिविंग यू 2 मिनट्स। Be fast, everybody.
जिसका हो गया वो डन मैम का मैसेज करो. हु हैज डन? गुड अंशिका, गुड मनीषा, वेरी गुड कशिश, गुड. चलो हैंड्स रेज करो जल्दी से. चलो प्रांजलि, प्रांजलि पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी उदाहरण बोलिए बेटा. गुड साधिका, वेरी गुड. मैं, हम, हमने, मुझे, पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, सेंटेंस, एक सेंटेंस बेटे. मुझे तोहफे में खिलौना मिला, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम. वेरी गुड. मुझे तोहफे में खिलौना मिला, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम. यस कशिश, कशिश ने अभी हैंड रेस किया था, वे शी हैज गॉन. यस साधिका, प्रश्नवाचक की उदाहरण बताइए बेटा. जल्दी बोलिए साधिका. यस अंशिका, प्रश्नवाचक की उदाहरण. पेन हो, तुम्हें क्या खरीदना है? तुमने क्या खरीदा है? वेरी गुड. क्या? हाँ जी अंशिका, निश्चय वाचक की बताइए. यह मेरा घर है. यह मेरा घर है, वेरी गुड. यस पर्ल, अनिश्चय वाचक की बताइए. बाहर कोई खड़ा है. बाहर कोई खड़ा है, गुड. यस मनीषा, निजवाचक की बताइए. मैं अपना काम स्वयं करूंगी. मैं अपना काम स्वयं करूंगी, वेरी गुड. यस प्रभजोत, संबंधवाचक के उदाहरण बताइए. मैम, जैसा बीजोगे वैसा पाओगे. जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, गुड, वेरी गुड. ओके, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? अब अपनी कॉपी में लिखो अभ्यास. अभ्यास, हेडिंग लिखो अभ्यास. सर्वनाम शब्द चुने, सर्वनाम शब्द चुने व भेद बताएं. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज, हमने खाना खा लिया है. नोट करते रहो सेंटेंसेस, इसके बाद डिस्कस करते हैं. पिताजी क्या लाए हैं? यह है मेरी घड़ी है. आरव खुद जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम पढ़ाई करो. सिक्स्थ सेंटेंस इज, जिसकी लाठी उसकी भैंस. राजू कहाँ गया है? नोट इट डाउन फास्ट.
बेटे अपनी वीडियोस ऑन कर लो ताकि मुझे थोड़ा पता रहे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। जिस जिसने नोट कर लिए लिखो डन मैम। गुड 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 गुड। बी फास्ट बी फास्ट। रघुबीर अनम्यूट करें खुद को। रघुबीर अनम्यूट करें। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। रघुबीर फर्स्ट सेंटेंस में सर्वनाम शब्द बताइए बेटा कौन सा है। जयंत रेज योर हैंड। जयंत फर्स्ट सेंटेंस में बताइए बेटा। मैम हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके गुड। यस साधिका सेकंड सेंटेंस बताइए। क्या क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके बाकी लोग भी हाथ खड़ा करें। संयम संयम अनम्यूट करें खुद को। यस गर्वित थर्ड सेंटेंस बताइए बेटा। मैम यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है सबने। स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। यस मान्या नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। आरव खुद जाएगा खुद निजवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। खुद निजवाचक। गुड। यस प्रबलीन जल्दी से नेक्स्ट बताइए। तुम पाई करो तुम पुरुष सर्वनाम। वेरी गुड। तुम पुरुषवाचक। यस वेदांति बी फास्ट। जिसकी उसकी संबंधवाचक। वेरी गुड। यस प्रभजोत। हम कहां प्रश्नवाचक। वेरी गुड। कहां प्रश्नवाचक राइट। बेटा ये सर्वनाम है। आप सबने अपनी कॉपी में ये कंप्लीट करने हैं और अपनी नोटबुक साइड बाय साइड कंप्लीट करते जाइए। आपको मैसेज करूंगी तब आपने कॉपी भेजनी है बेटा। ओके थैंक यू बेटा।